जो मराठा साम्राज्य में 1720 से लेकर 1740 तक इतिहास रहा है कि कभी कोई लड़ाई बाजीराव ने नहीं हारी, मात्र कुछ सैनिकों को लेकर 240 सैनिकों को लेकर पूरा जो है पूरे मुगल पे राज कर रहे थे और पूरे जो है वहां पे दिल्ली सल्तनत का उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। आप लोग अगर इतने हो तो हमको इतने शेर चाहिए, गीदड़ हमको 1000 नहीं चाहिए। हम लोग जो है हर हाल में अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने 1-2 दिन लगातार अपने जो मांग नहीं किया है, आज हम लोगों का 5 महीने से सेशन डिटाइन कर गया है। 5 महीने लोग हम लोग जो है मौन की अवस्था में बैठे हुए हैं। अब हम लोगों को मौन नहीं बैठना है, हम लोगों को हर हाल में शासन, आपको पीएनपी की लापरवाही पूर्व में पता होगी कि पीएनपी पूरी तरीके से हमेशा लापरवाह रही है और आज तक पीएनपी ने किसी भी सेशन को सही समय पर संपूर्ण नहीं कराया। और इनको बताना है तुम अगर अधिकारी हो तो मेरा काम है, मेरा काम करना, ठीक है। तुमको इसलिए बैठाया गया वहाँ पे, आपको इसलिए नहीं बताया गया कि हमको आप जो है हमारा सेशन उठा के लेट कर दो, हम कोई हमको दर्शक नहीं है। हम लोग 1,40,000 रुपए लगा के तब जाके 2,00,000 रुपए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि दोस्तों आप लोग इस तरीके से अपनी यूनिटी एकदम पूरी बरकरार रखना। अपने कॉलेज में विभिन्न कॉलेजों से लोग आए होंगे और अपने अपने कॉलेज के सभी साथियों को जिनके अंदर जो ऊर्जाहीन हो गए हैं ऐसे लोगों के अंदर ऊर्जा युक्त करो आप, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा का विनाश हो चुका है, उनके अंदर ऊर्जा का जागरण करो आप लोग और ऐसे लोगों को आप लोग जगाओ, क्योंकि अगर 2019 बैच भर्ती में नहीं शामिल होगा, सरकार को नहीं जानते कि शिक्षक भर्ती जो राजनीतिक भर्ती होती है, शिक्षक भर्ती जब भी आएगी, जब सरकार जो चुनाव आता है तो शिक्षक भर्ती जाती है, 5 साल बैठे के बैठे थक जाओगे, भर्ती नहीं आएगी। इसलिए सभी साथियों से आह्वान करना चाहूंगा, आप लोग अपनी संख्या को, इसी संख्या को 10 गुनी ऊर्जा के साथ 10 गुनी संख्या में कन्वर्ट कर देना, लेकिन जो है अपनी बात शासन तक हम लोगों को जरूर पहुंचानी है, हर हाल में पहुंचानी है। इसके लिए जो भी कड़ा से कड़ा कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी हम सभी साथी मिलकर अपने कंधे पर अपने दायित्व को समझते हुए एक साथ में उठाएंगे। इसलिए सभी साथी आप लोग बस ऐसे पानी पी लीजिए, कुछ समय के मिले और इंतजार करूंगा और हम लोग इस हिसाब से एक मुलाकात करेंगे और पूर्व की बात की चर्चा करेंगे। उन्होंने हमको कहा था कि 3 से 4 दिनों के अंदर नोटिस जारी हो जाएगी, जबकि आज 1 पखवाड़ा अर्थात 15 दिन बीत गए हैं लेकिन नोटिस अभी तक जारी नहीं हुई है और इस तरीके से प्रशासन की लापरवाही को आम प्रशिक्षण कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।